काशी कला कस्तूरी के शख्सियत प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ और आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर मौजूद है। ये शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं, अगर इनके माँ बाप की तरफ से देखा जाए तब भी बहुत अहम शख्सियत के आप सुपुत्र हैं। प्रोफेसर बीएम शुक्ला सर, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर थे, और आपकी माँ डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला जी, जो महिला महाविद्यालय बीएचयू में आप प्रिंसिपल थी, आप उनके सुपुत्र हैं। और इनकी अपने में एक अहम शख्सियत है जो सिर्फ माँ बाप से ही नहीं पहचाने जाते, अपनी शख्सियत से भी आप पहचाने जाते हैं, अपने कुछ निराले अंदाज से भी पहचाने जाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के हर मोड़ पर बहुत ही अहम अहम फैसले लिए और उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाया। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं हमारे साथ डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला जी हैं, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी और बहुत ही कम वक्त में बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत अहम शख्सियत है, या ऐसी शख्सियत के लिए एक दो एपिसोड भी बहुत कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला जी, बफेलो यूनिवर्सिटी यूएस न्यूयॉर्क यूएस में से आपने पीएचडी किया है फिजिक्स में, और उसी यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट लेक्चरर आपने 9 साल तक पीएचडी के साथ साथ आपने वहां पर तालीम भी दी। इसके साथ साथ फिर पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है हार्टविक कॉलेज यूएसए में, आपका वहां अपॉइंटमेंट होता है और वहां पे भी दर्स व तदरीस का सिलसिला, तालीम का सिलसिला शुरू रहता है और आप तालीम देते हैं वहां बच्चों को। फिर आपका कहीं ना कहीं एक डिसीजन होता है जो बचपन से संगीत की दुनिया में आप खोए हुए रहते थे, लेकिन फिर भी फिजिक्स में आप की पढ़ाई की, फिजिक्स में आपने बीएसडी किया, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि आपको लगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए और अब मुझे कुछ और करना है। तो उसके बाद आपने फॉरन अपॉइंटमेंट आपको होता है, साल भर के बाद आप छोड़ देते हैं और रिजाइन करने के बाद आप उस्ताद अली अकबर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां पे क्योंकि बचपन से आपको शौक था, आप म्यूजिक का शौक था और 12-15 इंस्ट्रूमेंट आप बजाना जानते हैं। ये बहुत अहम बात है क्योंकि बहुत से इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं और देखा भी नहीं है, लेकिन ऐसे शख्सियत के किस मोमेंट पर, जबकि पूरी दुनिया ऐशो इशरत की जिंदगी चाहती है, सारे लोग चाहते हैं कि हम विदेश में पढ़ाई करें, विदेश में पढ़ाई करने के बाद हम नौकरी भी वही करें क्योंकि वहां पैसे ज्यादा है और हमारी जिंदगी ऐश इशरत से गुजरेगी, लेकिन इन्होंने ऐश भरी जिंदगी नहीं देखी और आप सब आपको देख भी सकते हैं इस तरह से सादगी भरी आपकी जिंदगी है। मुझे लगता है मैंने आपसे बात करते हुए कहा कि मुझे आपसे बात करके ऐसा महसूस लगता है कि आप, मैं किसी सूफी से बात कर रही, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार लेकर आप अपने जिंदगी के रास्ते तय कर रही। कृष्णकांत सर, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत कर। धन्यवाद शबनम जी, आपकी, आपसे मिलके और आपकी बातें सुनके और विशेष करके आप जो समाज के लिए जो इतना कुछ कर रही हैं, इससे ये साबित होता है कि आप सिर्फ क्लासरूम की टीचर नहीं हैं, आप जो है सोते जागते आपके वो डीएनए में है, मतलब लोगों को शिक्षा देना और उनका उत्थान करना और उनको सत्यता की तरफ, मतलब कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आपकी बातें सुन के। मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब तो आपके जो श्रोता गण हैं वो सिर्फ डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है जिसके मैं काबिल नहीं हूँ शायद। मैं छोटा सा एक शेर सुनाता हूँ आपको, आपके इंट्रोडक्शन को सुन के और आपकी शख्सियत को देख के
वो मैं 2 मिनट में सुनाता हूँ कि, और ये आपके विशेष करके आपके श्रोता गण के लिए भी है, तो वो मैं 1 मिनट आपको सुनाता हूँ। 1 सेकंड मैं इसको ऑन कर दूँ। हम अपनी शाम को जब नजरे जाम करते हैं, हम अपनी शाम को, अभी शाम ही है, जब नजरे जाम करते हैं, अदब से हमको सितारे सलाम करते हैं, सजाएं क्यों नहीं से ये सराय है दिल की, सजाएं क्यों नहीं से ये सराय है दिल की, यहाँ हसीन मुसाफिर कयाम करते हैं। जी बहुत खूब, क्योंकि आपको तो शेरो शायरी से भी रहबत है और आप इकबाल को कलाम को और भी शायरों को कलाम को आपने आवाज दिया, आपने कंपोज किया है, ये हम सब बाद में सुनेंगे इसके बारे में। लेकिन सर कृष्णकांत सर, मैं इतना बड़ा डिसीजन, जिंदगी का डिसीजन, कि जब इंसान अपने लाइफ बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए दौड़ धूप करता है, और जब आपकी जिंदगी बन चुकी होती है, आप जिंदगी की अपनी एक मंजिल पा चुके होते हैं, फिर भी आप लौटते हैं खाली हाथ, आप लौटना चाहते हैं अपने उस मंजिल की तरफ जो आपका शौक है, तो किस तरह से आपका डिसीजन रहा, कैसे आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी कि हार्टविक कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे और बावजूद इसके आपने छोड़ा, और आप फिजिक्स के थे, तो सबसे पहले तो ये बताइए आपका ये डिसीजन कैसे हुआ और उसके बाद क्या मरहले आपने तय करे? जी एक्चुअली क्या है ना कि जब इसको कहते हैं अंग्रेजी में लिविंग ऑन फेथ, जब आप विश्वास पे जीने लगते हैं, और एक हमारा, हमने देखा कि मेरे लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि इफ थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, मतलब आपने जो प्लान किया है उस हिसाब से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इफ थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान देन इट इज इवन बेटर, क्योंकि फिर ऊपर वाले के प्लान से चल रहा है। तो कुछ ऐसी थी, मतलब बड़ी सारी बातें थी इसमें, लेकिन मेन इसका असली श्रेय तो मेरे माता पिता को जाएगा, क्योंकि हम ऐसे परिवार में जन्म लिए, हमको ऐसे माता पिता मिले कि मुझे कभी अभाव में नहीं जीना पड़ा। मैं क्योंकि मेरे मेरे दोनों, मेरी माँ विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर थी होम साइंस की, मेरे पिताजी BHU में केमिस्ट, दोनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो इसलिए हम लोग किसी भी तरह के अभाव में नहीं जिए थे, और उन्होंने इस तरह के हम लोगों को संस्कार दिए थे कि हम लोगों को एक अपने आप से एक सत्य की खोज, जीवन ये मिला है तो जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम जो है एक एक्सपेंसिव कार खरीद लें, एक बंगला खरीद लें और ऐश और आराम की जिंदगी जिए, क्योंकि वो तो हमको, हम मतलब कि बचपन से हम लोग कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मतलब किसी चीज की कमी नहीं हमको महसूस होने दी मेरे माता पिता ने। तो हम जब फिजिक्स जो पढ़ रहे थे, तो वो मुझे बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि बहुत लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो फिर उसके अपने डिग्री के माध्यम से कोई नौकरी लेना चाहते हैं, या तो फिर अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप जाना चाहते हैं, और उसमें उनके बड़ी सारी अपने जिंदगी की बड़ी सारी आकांक्षाएं और उनके नीड्स और डिजायर्स, वो लोग चाहते हैं कि उनका अच्छा घर हो, अच्छे मकान हो, अच्छे कार हो, पैसा हो, तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए, अपने परिवार वालों को इम्प्रेस करने के लिए, एक अच्छी लड़की से शादी करने के लिए कि हमारा अगर अच्छा करियर रहेगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं एक्चुअली, वो हम लोग का जो रियल एम होता है उसमें बाधक होती हैं, क्योंकि हम लोग का रियल एम है ये एक तरह से जो हर आदमी का है कि हम एक्चुअली ये क्या है, हम कौन हैं, और ये जो जो दुनिया है ये क्या है, और हम मतलब कि हम क्यों पैदा हुए हैं, और हमारा एक्चुअल मतलब कि क्या हम डॉक्टर और इंजीनियर और IAS बनने के लिए पैदा हुए हैं कि कुछ उसके अलावा भी कुछ, उसके आगे भी कुछ है। तो मेरा कुछ इस तरह का था, मैं फिजिक्स में गया था क्योंकि मुझे लगता था कि फिजिक्स सच्चाई की खोज, मुझे लगा था कि साइंस
आजकल का स्पिरिचुअल एडवेंचर जो है वो साइंस है, आजकल मॉडर्न डेज का स्पिरिचुअल एडवेंचर जो है वो साइंस है। तो साइंस की शिक्षा ले लेंगे तो कुछ हमारे जो जीवन के जो अहम प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, वो उससे आंसर हो जाएंगे। इसलिए मैंने फिजिक्स को मैं बिल्कुल उसके अंत तक ले गया, थ्योरेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में मेरी पीएचडी थी, वो पब्लिश भी है और मैं साथ साथ में पढ़ाता भी रहा। और पढ़ाने में जैसे आपका बहुत मन लगता है, मेरा भी बहुत मन लगता था। हमको संस्कार इस तरह से मिले थे अपने नाना से, मेरे नाना यहाँ, मेरे नाना जो थे वो भी बीएचयू में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे, उनको स्वयं मालवीय जी लेके आए थे मध्य प्रदेश से, मदन मोहन मालवीय जी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा तुम हर चीज में लापरवाही कर सकते हो, लेकिन जिस काम से तुम्हारे टेबल पे रोटी नमक आ रहा है उस काम के साथ कभी बेईमानी मत करना। ये बात बचपन में उन्होंने मुझे सिखाया था, तो मेरे वो जहन में वो बैठ गई थी। तो हम जब वहां पढ़ाते थे तो स्टूडेंट्स को अपना फोन नंबर देते थे, अपना एड्रेस देते थे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, रात को 2 बजे भी तुम अगर कोई होमवर्क का क्वेश्चन कर रहे हो, तुमको नहीं समझ आ रहा है, हमको उठा के तुम पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो हम जो है उसमें लापरवाही हम बहुत चीजों में करते थे, लेकिन अपने काम के प्रति हम जो है ईमानदार थे। तो उस वजह से वहां पे फिर बाद में विश्वविद्यालय में एक बड़ा रेयर अवार्ड होता है, एक्सेलेंस इन टीचिंग अवार्ड, वो भी मुझे मिला वहां से, क्या कहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के ऑफिस से। ये सब चीजें थी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, जो सच्चाई की खोज। इसी, अब मैं आपको बताऊं, साइंस बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन आजकल इतने मतलब कि जल्दीबाजी में अपना जीवन जीते हैं कि वो लोग बैठ के कुछ सोचते नहीं है कि मतलब साइंस की परिभाषा क्या है, ये भी कोई ठीक से नहीं आपको बता पाएगा। जब हमने बहुत लोगों से पूछा कि साइंस होता क्या है, तो अलग लोगों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग बात की। तो मैंने फिर कहा कि फिर तो मैं अपनी परिभाषा बनाऊंगा, और मेरी परिभाषा है, साइंस इज अ फियरलेस सर्च फॉर द ट्रुथ, वो सच्चाई की खोज है। तो जब तक सच्चाई की खोज में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मैंने सब पढ़ा है, और जब तक वो मेरे काम आ रहा था, जहां तक मैं उसको ले जा सकता था, फिजिक्स रूपी बस जो अंतिम पड़ाव है, जहां तक सड़क बनी हुई है, वहां तक हम उसको ले गए, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, उसमें मेरी पीएचडी है, मैंने उसको गहराई से समझा, उसको पढ़ाया। लेकिन अब जो जो सच्चाई की खोज वाला जो सिलसिला था, जो मेरा बचपन से मेरे अंदर था, वो अब ठप हो गया था, क्योंकि साइंस जहां तक आपको जाता है उससे आपको संतुष्टि, क्योंकि ये अगर आप भी करिएगा, या कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति साइंस को ठीक से पढ़ेगा और उसकी बिल्कुल गहराई तक जाके डुबकी लगा के वहां पे गहराई को छुएगा, तो उसको भी ये समझ में आएगा कि ये जो है सत्य की परछाई तक आपको ले जा सकता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, इन सब की अहमियत है, इन सब की एप्लीकेबिलिटी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक हद तक, उसके बाद फिर ये जो है ये नाकाम हो जाते हैं, फिर इनका कोई औचित्य नहीं रहता है, बल्कि ये आपके लिए ये एक गले में लटकी हुई एक चट्टान बन जाते हैं। आगे की यात्रा जो है आपको इसको छोड़ के करना पड़ता है। इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के और बड़े कष्ट के साथ, क्योंकि फिजिक्स से नौकरी मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, प्यार मोहब्बत इज्जत मिल रही थी, हमारे घर वाले सब, उनकी इज्जत मिल रही थी, परिवार वालों की इज्जत मिल रही थी, वो सब जो है उसको छोड़ना आसान काम नहीं था। इसमें तो गुरुओं की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद ही काम करता है, और कोई चीज नहीं काम करती। लेकिन मतलब मेन बात यह है कि मैंने एक्चुअली जो रियल साइंस है, साइंस का मतलब है सर्च फॉर द ट्रुथ, उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा है, उसको मैंने कभी नहीं त्यागा है। लेकिन फिजिक्स जहां तक मुझे ले जा सकती थी, उसके आगे वो नहीं जा सकती थी, तो मैंने उसको और आगे ले जाने के लिए मैंने, और उसमें कई रास्ते हैं, योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, और बड़ी सारी चीज, उसमें मुझे संगीत एक अच्छा रास्ता लगा, एक अच्छी नाव लगी, और उसी में मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है इसमें, लेकिन बड़ी सारी चीजें, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे हुआ, किस तरह के डर डर सताते हैं ना, आप अपने जॉब की सिक्योरिटी को छोड़ना जो है उसमें डर बहुत लगता है। तो उसमें मेरे एक गुरु, अब जिंदा नहीं है, उनका नाम था स्वामी राम, वो हिमालय में रहते थे, उन आप अगर गूगल करेंगे स्वामी राम ऑफ द हिमालयस, उन्होंने एक गजब की किताब लिखा है, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, वो गजब की किताब है। तो उसमें वो, मैं उनको पर्सनली जानता था, उनका आश्रम भी था पेंसिल्वेनिया में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर
आप ये बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन फियर्स क्या क्या हैं, डर क्या क्या हैं, और उन डर को जीतना है, हर हालत में जीतना है, नहीं तो आप अधमरी जिंदगी जिएंगे, आप अपना पूरी हंसी नहीं हंसेंगे, पूरी तरह से आप रोएंगे नहीं, पूरी तरह से सोएंगे नहीं, पूरी तरह से जिंदगी नहीं जिएंगे, आप जो है एक अधमरी सी जिंदगी जिएंगे। तो अपने डरों को आइडेंटिफाई करना और उनको जीतना, और उन्होंने उसमें लिखा है कि डर को जीतने का एक ही तरीका है कि यू वॉक इन टू इट। अगर आपको हवाई जहाज में बैठने से डर है तो आप दुनिया के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए और 30 साल तक साइकोथेरेपी करिए, उसको अपना सारा पैसा लुटा दीजिए, लेकिन आपको वो डर नहीं जाएगा। जब तक कि आप हवाई जहाज में बैठेंगे नहीं और उड़ेंगे नहीं, तब तक आपका वो डर नहीं जाएगा। तो मेरे गुरु स्वामी राम जो हैं, उन्होंने लिखा था उस किताब में कि उनको सांप से बड़ा डर लगता था। तो उनके गुरु बंगाली बाबा थे, उन्होंने उनको एक कुटिया में एक दिन बंद कर दिया कि ये तुम्हारे लिए कुटिया है और इसमें कमरा है, तुम इसमें जाके रात को इसी में ध्यान करो। वो चले गए, उन्होंने फिर बाहर से ताला लगा दिया और उनको बताया नहीं, रात का समय था, कि उसमें करीब 15-20 सांप थे और जहरीले सांप थे उस कमरे में। अब ये अपना ध्यान के लिए बैठे और फिर धीरे धीरे सब सांप जो है लगे रेंगने चारों तरफ, और कुछ उनके ऊपर, वो बिल्कुल एकदम से डर के मारे उनकी हालत खराब, वो पत्थर की तरह से बैठे रहे और पूरी रात हिले डुले नहीं। लेकिन जब सुबह हुई और गुरु ने बाहर ताला लगा दिया था, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सुबह तक उनका सांपों से डर उनका चला गया था। तो मैंने भी अपने साथ संवाद किया, जब मैंने किया, फिजिक्स में पढ़ा रहा था, लेकिन संगीत की ज्वाला जो है वो तो बचपन से जल रही थी। मैं संगीत करना चाहता था, लेकिन हमको अपने समाज से और अपने परिवार से और अपने अथॉरिटी फिगर से, अपने टीचर से, सब लोगों से यही मैसेज मिला था कि कलाकार एक कला जो है उसको हॉबी के रूप में रखो बेटा, एक शौक के रूप में रखो, लेकिन अगर उसको तुम ज्यादा गहराई से उसके साथ तुम एंगेज करने लगे तो तुमको फिर सड़क पे आना पड़ेगा, उसमें जो है तुम गरीब हो जाओगे, क्योंकि कलाकारों की जिंदगी बड़ी कठिन होती है, तो और संगीतकारों की विशेष करके जिंदगी बहुत कठिन होती है। तुम्हारे पास, तुम जो है एक तरह से भिकमंगे हो जाओगे, तुमको सड़क पे आना पड़ेगा। तो मैंने जब स्वामी राम की ये किताब पढ़ा तो मुझे लगा, मैं थोड़ा ध्यान भी करता हूँ तो मेरी आत्मा और मेरे मन का संवाद चलता रहता है और मैं उसको चुपचाप सुनता हूँ। तो मेरे आत्मा ने मेरे मन से पूछा कि सुनो, ये तुम जो फिजिक्स की नौकरी कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो, तुमको अच्छा लगता है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी आत्मा ने कहा कि अच्छा, ये बताओ कि अगर तुमको ये लोग तनख्वाह नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तब तुम फिजिक्स पढ़ाओगे? तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं फिजिक्स क्यों पढ़ाऊंगा, मैं मतलब अगर वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा। तो फिर मेरी आत्मा ने पूछा मुझसे कि अगर तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको पैसा नहीं देंगे तो भी तुम करना चाहोगे? तो तुरंत जवाब आया, वो तो संगीत है, मैं तो संगीत करूंगा, चाहे मुझे कोई पैसा दे चाहे ना दे। तो फिर मेरी आत्मा ने पूछा कि तुम फिर संगीत क्यों नहीं कर रहे हो, तुम बचपन से संगीत के लिए रोते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तब मैंने रियलाइजेशन हुआ कि मुझे डर है, मुझे सड़क पे आ जाने का, मुझे गरीब हो जाने का, मुझे अपने समाज के, अपने भाई बहनों के और अपने पिताजी के भी, माँ तो माँ का अलग व्यक्तित्व है, लेकिन मुझे सब लोगों का प्यार खोना पड़ेगा, सब लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे और हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, और हम जो है। तो फिर स्वामी राम ही की किताब में जो फियर वाला चैप्टर था उससे पढ़ के ये लॉजिकल कंक्लूजन है था कि अब तो मुझे सड़क पे आना पड़ेगा, तभी मेरा ये डर जाएगा, तभी मैं संगीत कर पाऊंगा। तो मैंने फिर, इतना आसान नहीं था, उसमें 2-3 साल लगा वो हिम्मत बनाने के लिए, लेकिन फिर एक समय आया जब मैंने कविता लिखी और अपने वो, मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता था उस समय, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, एक बड़ी सुंदर जगह है हार्टविक कॉलेज, अपस्टेट कैट्सकिल माउंटेन्स में, न्यूयॉर्क स्टेट में, बहुत सुंदर जगह है, वहां पे मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता था। तो मुझे लगा कि कुछ अब करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी फिर पछताएंगे। तो हमने फिर रिजाइन कर दिया, वो लोग हमको छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग बहुत दुखी हुए, और हमने वहां से रिजाइन करके हम अमेरिका के एक छोर से, जैसे बॉम्बे टू कलकत्ता होता है ना, ईस्ट टू वेस्ट, हम जो है बॉस्टन से सैन फ्रांसिस्को गए, वहाँ कैलिफोर्निया और उस्ताद अली अकबर खान के घर गए, बहुत बड़े संगीतकार थे वो, बहुत ही मतलब कि उनके जैसा, लोग बताते हैं कि 500 साल में कोई संगीतकार ऐसा पैदा नहीं हुआ होगा। तो उनके घर गए, वो मुझे जानते नहीं थे, दरवाजा खटखटाया और उनके चरणों पे गिर पड़े, और हम लोग के शास्त्रों में लिखा है कि गुरु के पास अगर जाओ तो अपना तन मन धन सब उनको समर्पित कर दो। तो हमने फिजिक्स की नौकरी करके जो पैसा कमाया था वो पूरा का पूरा कैश उनके चरणों में रख दिया, वो बहुत हंसे। हमने कहा कि बस हम आपके शरण में आए हैं, हम संगीत सीखना चाहते हैं, मना मत करिएगा, क्योंकि अगर हमने संगीत नहीं सीखा तो हम जो है अशांत होके मरेंगे, आप हमको 2 दिन सिखा दीजिए, लेकिन आप हमको मना मत करिएगा। बहुत
खुश हुए, वो खुश भी हुए और हंसे भी। अपने पत्नी को बुलाया, उनकी अमेरिकन वाइफ थी मेरी, उन्होंने कहा कि देखो ये शुक्ला जी हैं और इन्होंने पीएचडी किया है फिजिक्स में। हमने कहा कि बाबा पीएचडी का मतलब होता है पुअर हेल्थ एंड डाइट, तो बहुत हंसे पीएचडी। फिर हमने ये भी बोला पीएचडी का मतलब होता है पागल होने का डर, तो बहुत हंसे। तो कहने लगे पैसा तुम अपना वापस रखो और इससे तुम कोई कमरा ले लेना और रहने का इंतजाम कर लो, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा के बिना तो मैं सीख नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस है, अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक में ऑफिस है, वहां तुम हफ्ते में 4 घंटे तुम अपना काम डोनेट कर देना, वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हमने कहा ठीक है, तो बड़ा अच्छा था। तो हम उनसे सीखने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो है वो कई साल लग गए उतना हिम्मत जुटाने में, लेकिन वो सच्चाई की खोज जो थी मूल वही थी। सच्चाई की खोज जो है वो मुझे ये समझ में आ गया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इनसे वो सत्य की परछाई तक आपको पहुंचा सकते हैं। देखिए सत्य की परछाई भी बहुत बड़ी चीज होती है, मैं इसको कोई उनकी कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सत्य की परछाई भी कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन सत्य की परछाई, सत्य आप चाहें कि सच्चाई जो है जीवन की सच्चाई कि आप कौन है, ये दुनिया कौन है, ये जिंदगी का क्या मतलब है, आपके जिंदगी का रहस्य क्या है, आप क्यों पैदा हुए हैं, ये जो मूल प्रश्न है ये आपको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से नहीं मिलेंगे। इसके लिए फिर कुछ इस तरह का पागलपन की चीजें करना पड़ेगा जैसे हमने किया, कुछ कोई कुछ और करे, लेकिन ये बड़े सारे रास्ते हैं। मुझे तो संगीत ही बहुत अच्छा लगा। तो खैर ये मेरी छोटी सी कहानी है, अभी इसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं। आपको समय होगा तो या कोई और सेशन होगा तो मैं बताऊंगा। जी मैंने गोकर्ण जी ने कहा कि कुछ चीजें आपसे सुनने के लिए, तो मैं गोकर्ण जी से कहना चाहूंगी, विश्वनाथ गोकर्ण जी से, कि जी सर ये इनके गायन का सेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत आज गुनगुना दें, लेकिन बाकायदा गायन का एक सेशन रखेंगे हम लोग, और उसमें इनका ये प्रोग्राम होगा। आज मैं इनकी जिंदगी के उनके उन पन्नों को पलटना चाहती हूँ जहाँ लोगों को इंस्पायरेशन मिले, लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को जीने की एक राह मिले। जो लोग पशुपेश में होते हैं, एक तरफ उनका शौक होता है, दूसरी तरफ उनका कैरियर होता है, तो बहुत सी चीजों में वो उलझे हुए होते हैं, तो आपकी शख्सियत बहुत सी चीजों को, बहुत से लोगों को एक नई राह भी दिखाएगी। और हमारा काशी कला कस्तूरी का ये मकसद होता है कि हम ऐसी शख्सियत को सामने लाएं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को जीने की एक नई राह मिले, लोगों की सोच बदले और उस सही सोच के साथ आगे बढ़ सके। तो आप एक चीज और मैं सर पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके जैसे आपने आपसे मैंने कभी सुना था कि लास्ट में पैसे खत्म होते हैं, जब पैसे खत्म होते चले जाते, वो बात आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ, ठीक है, मैं मैं बताता हूँ। चाहती तो वही ये वो कंटिन्यू करता हूँ कि वो जो स्वामी राम की किताब में मैंने पढ़ा कि किसी डर को जीत, ये था कि हमारा जो है संगीत हम क्यों नहीं कर रहे थे, तो जवाब आया क्योंकि आपको गरीबी से डर लगता है, सड़क पे आ जाने से डर लगता है। और फिर स्वामी राम की किताब में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि किसी डर को जीतने के लिए उसमें घुसना पड़ता है। तो अब ये मुझे क्लियर हो गया कि मुझे गरीब होना पड़ेगा, मुझे जो है तो तब फिर मैं वही अपने जो हमारी सेविंग्स थी उसको लेके मैं बाबा अली अकबर खान के पास गया, अली अकबर कॉलेज में मैं उनका स्टूडेंट बन गया। और फिर मैं अपने जो हमारे बचाए हुए पैसे थे उनसे उनसे मैं अपना रेंट वगैरह और खाने पीने का, और मेरी एक कार भी थी, अमेरिका में तो कार के बिना जिंदगी संभव नहीं है एकदम, तो कार भी थी, छोटा सा एक कमरा था, एक सूफियों का आश्रम था उसमें मैंने कमरा ले रखा था। तो वो लोग हमको कम पैसे में रखे थे क्योंकि उनके जिक्र होते थे हर थर्सडे को, तो उसमें मैं हमद नात साकी नामा ये सब मैं गाता था, तो इसलिए वो लोग हमको सस्ते में हमको बहुत अच्छा कमरा मिल गया था। लेकिन इसके पीछे जो एक सिद्धांत है, मतलब मेरी अपनी लाइफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे तो, लेकिन जो मूल सिद्धांत जो मुझे गाइड कर रहे थे वो सब लोगों के मतलब के होंगे। वो एक जोसेफ कैम्बल नाम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर अमेरिका में, अब जिंदा नहीं है, अभी 20 करीब लगभग 15-20 साल पहले मरे हैं वो। तो उन्होंने वो 6 साल तक, अब जो उपनिषद होते हैं सारे उपनिषदों को लेके वो बंद हो गए थे एक कैबिन में, पहाड़ों में एक कैबिन में रहे थे और 6 साल तक उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा था। फिर उन्होंने ये मिथ सिंबल्स, वो एक तरह से अमेरिका के वो गुरु हो गए, जैसे हम लोग के यहाँ पे रमन महर्षि हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, उस तरह से अमेरिका में जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको अपना गुरु मानते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी एक अपनी किताब में जो मुझे छू गई। उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट मनी, फॉलो योर ब्लिस, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ब्लिस, द मनी विल फॉलो यू।
मतलब उनका कहना यह था, उसको अगर किसी इमेज के रूप में देखें, यही मैं अपने भाई बहनों को, श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर जैसे कि अगर आप जो है सूरज की तरफ पीठ करते हैं और तो आपकी परछाई आपके आगे रहेगी, और आप जरा अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करिए, भागिए तो वो आगे भागती चली जाएगी। तो यानी कि पैसा, मान बड़ाई, नाम, शोहरत, इज्जत, ये सारी चीजों के लिए जो हम लोग पागलों की तरह से भागते हैं वो परछाई है, और उनको हम लोग परछाई को जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी आगे बढ़ती भागती रहती है। लेकिन अगर किसी ने परछाई की तरफ अपनी पीठ कर दी, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की तरफ पीठ कर दी या अपने जिम्मेदारियों के प्रति पीठ कर दी, लेकिन ये मान बड़ाई, पैसा, शोहरा, इज्जत और ये सब जो जो चीजें हैं इनके प्रति अपनी पीठ कर दी, और ईश्वर रूपी, ज्ञान रूपी, ब्रह्म रूपी जो सूर्य है, सूर्य का जो, उसके तरफ अपना मुंह कर लिया और उसके तरफ बढ़ने लगे, यानी सत्य की तरफ, सत्यता की तरफ, सच्चाई की तरफ, ईश्वर की तरफ, ब्रह्म की तरफ बढ़ने लगे, तो वो परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। ये कहीं अपने शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है। तो जोसेफ कैंपबेल जी ने इसी को इंग्लिश में बहुत सुंदर भाषा में लिखा था कि फॉलो योर ब्लिस, डोंट वरी अबाउट द मनी विल फॉलो। तो हम सोचा कि अच्छी बात कर रहे हैं, चलिए देखिए क्या होता है। तो हम जो है बाबा लेबर खान से सीखने लगे। एक सैन रफेल नाम का शहर है कैलिफोर्निया में, बहुत सुंदर शहर है। तो वहीं पर उनका कॉलेज था, कॉलेज ऑफ म्यूजिक, दी ओनली कॉलेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आउटसाइड ऑफ इंडिया, यू नो, तो वो था। उसमें स्वयं बाबा अलीबर खान खुद सिखाते थे, उनसे सीख रहे थे। 5-6 महीने में मेरा पैसा खत्म हो गया, और वो मेरा एक्सपेरिमेंट था, प्लान। हमने अपना, हम तो साइंटिस्ट, मतलब बचपन से ही पैदाइशी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि हमारे सब साइंटिस्ट के घर में ही पैदा हुए थे। दोनों मेरे माता पिता साइंटिस्ट, मेरे सब भाई साइंटिस्ट, मेरे नाना मैथमेटिशियन, जो साइंस की रीढ़ की हड्डी मैथमेटिक्स होती है। तो हमने सोचा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें लेबोरेटरी का चूहा मैं खुद बन जाऊंगा, मैं ही साइंटिस्ट बनूंगा, मैं ही लेबोरेटरी का चूहा बनूंगा, और मैं अपने पैसे को मैं खाने पीने में और अपना किराए देने में और सब कुछ मैं उसको खत्म कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। घर वालों से तो मांग नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ा नाराज थे, हमारे भाई लोग भी दुखी थे, मेरे पिताजी भी दुखी थे। और अगर हम उनसे कहते कि हम देखिए हम सड़क पे आ गए हैं, हम कुछ पैसा वैसा भेजिए, तो वो लोग कहते कि हमने तुमको पहले ही मना किया था। तो ये हम उन लोगों को ये अवसर देना नहीं चाहते थे। तो वहां पे उस समय जब मेरा सब पैसा खत्म हो गया था, तो मैं सूफी आश्रम में जो रहता था, तो क्योंकि मैं वहां पे जिक्र में उन लोगों का मैं संगीत मैं ही करता था, तो वो लोग इसलिए हमको खोना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब वो किराए का पैसा तुम्हारे पास होगा तब देना, अभी तुम चिंता मत करो। तो 1-2 दिन की वहां से राहत हो गई। लेकिन अब प्रश्न ये था कि खाए कहाँ, क्योंकि हमारे पास एक भी डॉलर नहीं था, और मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर ऑन वर्क परमिट यूनाइटेड स्टेट्स में, और क्या कहते हैं कि अब मेरे पास, अगर मान लीजिए मुझे वापस हिंदुस्तान जाना पड़ा, तो मेरे पास वो हवाई जहाज के टिकट का भी पैसा नहीं था, कोई दवा दारू की जरूरत हो तो भी उसका भी पैसा नहीं था। तो खैर थोड़ा सा ये एक परीक्षा, मतलब कि प्रकृति जो है परीक्षा लेती है, खासतौर से संगीत, या संगीत क्या कोई भी जो साधना होती है जिसको मतलब जो कि बहुत ही कीमती होती है, जिसको पाने के लिए बिना त्याग के, बिना तपस्या के और बिना परीक्षा लिए, वो प्रकृति अपनी रहस्य देती नहीं है किसी को जल्दी। तो हम जो है किसी तरह से गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हम डटे रहे। तो हमको ज्यादा दिन नहीं, करीब 2 महीने तक हमको तकलीफ हुई थी। तो अपने खाने के लिए, किराए के लिए, तो वो सूफी लोग के आश्रम में हमको कमरा मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब खाने पीने के लिए क्या करें, तो वहां पे एक गुड अर्थ नाम का एक ग्रोसरी स्टोर था, ये सब्जी की और गल्ले की दुकान, परचून की दुकान कह लीजिए उसको, और वो बहुत अच्छे लोग थे, वो हिपी लोग थे। तो अमेरिका में कुछ बड़े ही बेतुके कानून और नियम हैं, जिसकी वजह से कि मतलब मुझे कोई भी सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कि अमेरिका में कई लाख टन सब्जी, अनाज, खाने पीने की चीजें वो कूड़े में डाल दी जाती हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग बैक्टीरिया और वायरसेस से इतना ज्यादा डरते हैं, इतना ज्यादा पैरानॉइड हैं वो लोग, कि उन लोगों का ये है कि आपने जैसे कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, आलू है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, डबल रोटी है, ये सब चीजें जो हैं, अगर आपने सुबह वो आपको ताजी ताजी मिली और शाम तक अगर आपने नहीं बेचा, तो आप उसको अगले दिन वो जब क्या कहते हैं कि बासी हो जाएगी, तो उसको आप नहीं बेच सकते हैं।
आपका कैमरा चला गया शबनम जी, आपकी फोटो चली गई, खैर कोई, हाँ तो वहां पे तो ये तो उन लोगों को ये कानून वहां पे लॉ ये है कि आप उसको किसी को दे नहीं सकते हैं। वहां पे बड़े बड़े जो सुपरमार्केट्स हैं स्टोर्स में, वहां पे हजारों टन बहुत ही अच्छा मतलब कि खाने पीने की का सामान, सब्जियां, फल और डबल रोटी, मक्खन, दूध, दही, ये सब जो है वो फेंक देते हैं और उसको जो है नाली में फेंक देते हैं, या तो ऐसी जगह पे जहां पे कोई चाह के भी उसको न ले सके। लेकिन ये क्योंकि अगर किसी ने उसको ले लिया, किसी ने किसी को दे दिया, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर उनके ऊपर केस हो जाएगा कि आपने इनको जो है बासी चीज दे दी थी। तो इसलिए, लेकिन ये जो गुड अर्थ स्टोर था, ये हिपी लोग चलाते थे, जो इस तरह के कानून का वो लोग वो करते थे, नॉन कोऑपरेशन, जो महात्मा गांधी वाला प्रिंसिपल है कि गलत कानून है। तो वो लोग क्या करते थे कि जो एक या दो दिन पुराने पुरानी पत्ता गोभी है, आलू है, टमाटर है, डबल रोटी, अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम लोग के इंडियंस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो सब्जी वाले उसको अभी 5 दिन तक और चला देंगे, अपनी दुकान में बेचेंगे, 5 दिन 6 दिन तक बेच देंगे यहाँ पे, जब तक उसमें केचुए नहीं रंगने लगते हैं तब तक उसको बेचेंगे यहाँ पे। इतनी बुरी हाल नहीं थी, तो मतलब बहुत अच्छी सब्जियां जो हैं वो सब वो लोग दफ्ती के डब्बे में रख देते थे। कानून कहता था कि आप उनको जो है डंपस्टर में डालिए जिसमें कि ताला लगा हो, लेकिन ये लोग जो है उस कानून की अवहेलना करके उसको अपने स्टोर के बाहर साफ सुथरे दफ्ती के डब्बे में रख देते थे। और उनको अगर पुलिस आएगी कहेगी कि आपने इसको फेंका क्यों नहीं, वो कहेंगे भाई हम लोग फेंकने के लिए रखे हैं, और कोई उसमें से आके उठा के ले जाए तो हम लोग ने तो उसको दिया नहीं, इसलिए आप हमको नहीं ब्लेम कर सकते हैं, तो अपने आप को भी बचा लेते थे। तो वहां से कुछ हमारे जैसे जो लोग थे, कुछ होमलेस लोग थे, कुछ और लोग थे, कुछ शराबी, कुछ ड्रग एडिक्ट, वहां से उठा के ले आते। तो 2 महीने तक हमने जो है उसको अमेरिका में कहते हैं डंपस्टर डाइविंग तो हमने फिर वो दफ्ती के डब्बे में से जो ग्रोसरीज मिलती थी उससे अपना काम चलाया। फिर उसके बाद कुछ माता सरस्वती की कृपा हुई, मैंने प्रार्थना की थी तो हमारे फिर स्टूडेंट्स बनने लगे। 2 महीने के बाद हमसे लोग संगीत सीखने लगे, और हमने कभी किसी से कहा नहीं कि हम संगीत सिखाते हैं, आज तक हमने किसी से नहीं बोला। लेकिन वो जो हमसे सीखने, एक जर्मन महिला आई थी, वो एथिक्स की प्रोफेसर थी सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में, उसने कहा कि हम सीखना चाहते हैं आपसे। हमने कहा ठीक है सीखिए। तो फिर उसने फिर किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, ऐसे ऐसे 2-3 महीने के अंदर हमारे 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए संगीत के, जो हमसे सीखते थे, और हम उनसे कभी कुछ पैसा मांगते नहीं थे। वो अपना जो है दक्षिणा, जो गुरु दक्षिणा होती है, वो अपने मन से कुछ लिफाफे में रख जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो मेरी परीक्षा जो थी वो खत्म हो गई। प्रकृति ने मेरी परीक्षा लिया कि ये संगीत वाकई में संगीत करना चाहता है कि कुछ ये पागलपन है। जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो है ये सड़क पे आ जाने को तैयार है लेकिन ये संगीत को नहीं छोड़ेगा, तब फिर प्रकृति माता ने मेरी मदद की और आज तक करती चली आ रही है। अब ये गुरुओं के आशीर्वाद से और माता पिता का आशीर्वाद है, हम यहाँ पे अपने घर में बनारस में रहते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे हमारे मेल बॉक्स में हवाई जहाज का टिकट आ जाता है, पासपोर्ट वीजा आ जाता है, और हमको जो है जगह जगह पे यूरोप, अमेरिका, हवाई, ऑस्ट्रेलिया, कई जगह पे हमको लोग बुलाते हैं, मेरे कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, और मतलब कि हम जो है अब उसके बाद हमको मतलब तो मेरा मतलब इसमें इससे सीखने की जो चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये मैंने एज फिजिक्स प्रोफेसर भी मैंने रियलाइज किया था कि जिस तरह से कि कोई, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि कोई गरीब परिवार था तो बच्चा जो है अभी उसको दूसरे शहर जाना था नौकरी खोजने के लिए, तो माँ ने कुछ पैसे उसके पैजामे की में सिल दिए थे, उसके धोती में सिल दिया था, कुछ पैसे, कुछ सोने के सिक्के, और उसको पोटली बांध दी थी। तो ये तो अपनी लौकिक माँ करती हैं। तो जो ऊपर वाले जो अपने ईश्वर हैं वो तो उनके पास तो 1 लाख माताओं का और 1 लाख पिता का प्यार है हम लोगों के लिए। तो वो भी जब किसी को भी यहाँ भेजते हैं, चाहे कोई भी हो, जितने भी, मैंने तो कभी भी इसका एक्सेप्शन नहीं देखा कि जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे क्लासरूम में, सबको ऊपर वाले ने कोई हीरा मोती कोई 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 चीज दे के भेजा है, कोई स्पेशल हुनर। लेकिन अब क्या है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका काम है, टीचर्स का और पेरेंट्स की ये ड्यूटी है। अब इतना अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है लोगों में, कम लोगों में होती है, लेकिन अगर इतनी अवेयरनेस हो कि ये जो मेरा बच्चा है इसको भगवान ने कौन सी स्पेशल चीज लेके भेजा है, कुछ तो होगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि
वो जूते की डिजाइन करने में उसका मन लगता है। बचपन से वो जो है जूतों की डिजाइन बनता और अपना जूते बनाता रहता है कागज के या कुछ। और अगर माता पिता ने उसको उसमें मदद की, उसको दो थप्पड़ मार के, ये नहीं कहा कि तुमको यूपीएससी का एग्जाम लेना है या तुमको मेडिकल की तैयारी करना है या तुमको आईआईटी की तैयारी करना है, दो थप्पड़ मार के उसको किनारे नहीं बैठा दिया और उसको उसको उसी चीज में आगे बढ़ाया, तो वो एक दिन बाटा बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा। या अगर वो क्या कहते हैं कि नट्स एंड बोल्ट्स के साथ खेलता है और उसको अगर लोगों ने उसमें मदद की, अथॉरिटी फिगर्स ने, तो वो टाटा बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के पास एक विशेष गुण होता है जो कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे भगवान ने ये संगीत का गुण दिया था बचपन से। मैं 3 साल का था तब से मैं रोता था, कोई अच्छा गाना सुन लेता था मैं पागल हो जाता था। तो लेकिन हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है, और मतलब कि इस चीज को तो हम यही चाहते हैं कि जो हम, जैसे कि आपको बताएं, जब माता पिता किसी बच्चे को मेरे पास लेके आते हैं कि इसको कुछ बताइए, ये जो है पढ़ता नहीं है, तो हम मतलब कि स्टूडेंट्स, सिर्फ छोटे बच्चों से नहीं, बड़े स्टूडेंट से भी मैं पूछता हूँ कि यही क्वेश्चन जो हमने अपने आप से पूछा था कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो हमको ये बताओ। अगर तुमको कोई मतलब कि मान लो तुमको कोई पैसा नहीं देगा तो भी वो कौन सी चीज है तो तुम करना चाहते हो, ये बड़ा अहमियत। इस तरह का प्रश्न जो है तो कोई जवाब दे नहीं पाता है, क्योंकि कभी किसी ने न इसके बारे में सोचा है, न किसी उनसे किसी ने ये प्रश्न पूछा भी नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आदमी अगर इसकी चिंता न करे कि पैसा कहाँ से आएगा, और गरीबी से न डरे, और जिस जो उसका पैशन है, जो उसका ड्रीम है, उसमें वो हिम्मत करके, किसी तरह से हिम्मत जुटा के कूद पड़े, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उसकी प्रकृति माता उसकी हेल्प करेंगी। कहीं न कहीं से उसको हो सकता है कि वो बहुत अमीर ना बने, लेकिन उसको जो है संतुष्टि मिलेगी, उसका बहुत ही अच्छा जीवन होगा, बहुत ही सुंदर उसका जीवन होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आईएएस में जाना गलत है, इंजीनियरिंग में जाना गलत है, डॉक्टरी करना गलत है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका कि वो पैदाइशी वो गुण है। जैसे कि मेरी माँ है, मेरी माँ डॉक्टर बनी, मेरे माँ के पिताजी, मेरे नाना बहुत गरीब थे, क्योंकि वो उस समय बीएचयू में मदन मोहन मालवीय जी उनको लेके आए थे, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और तनख्वाह लगभग नहीं के बराबर थी उस समय। बीएचयू में नौकरी करना मतलब कि आप सर पे कफन बांध के नौकरी करिए, ये हालत थी। लेकिन मेरे नाना ने देखा कि मेरी माँ 9 बच्चों में सबसे बड़ी थी, और ये जब 5 साल की उम्र से इतने बड़े परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाए, किसी को खांसी सर्दी जुकाम, किसी को सर दर्द, किसी को डायरिया, किसी को कुछ भी हो जाए, वो रात रात पर जग के उसकी सेवा करती थी, उनके जहन में था, उनके खून में था। तो मेरे नाना ने कहा कि मैं जरूरत होगी तो घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन इस बच्ची को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो मेरी माँ डॉक्टर बनी, और फिर ऐसी डॉक्टर बनी वो आपको कभी बताएंगे कि जिस पूरे दुनिया को उन्होंने बदल दिया। आज भी नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स और इन वॉशिंगटन एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन लंदन में जो हाइट टू वेट रेशियो है बच्चों के, वो मेरी माँ की देन है। उन्होंने जो पीएचडी किया, वो ऐसी पीडियाट्रिशियन बनी, ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट बनी, ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट बनी कि पूरी दुनिया को हिला दिया। इससे मैं, आप दुनिया के किसी भी देश में जाइएगा, क्या कहते हैं कि चाहे ग्वाटामाला क्यों ना हो, चाहे वो सूडान या अफगानिस्तान क्यों ना हो, अगर आपने बच्चे, छोटे बच्चे को खिलाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो मिल्क पाउडर होता है, उसका टिन या उसका डब्बा खरीदा, तो उसमें एक चेतावनी लिखी होती है कि दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मदर्स मिल्क, ये माँ के दूध का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इसको हमेशा दीजिए, माँ के दूध का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये मेरे माँ की देन है। पूरे दुनिया में इस समय जो हर डब्बे पे ये लिखा रहता है, ये मेरे माँ के रिसर्च की देन है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया इंग्लैंड में रिसर्च करके 1972 में। उनकी पीएचडी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के फ्रंट पेज लीडिंग कवर आर्टिकल थी। उन्होंने ये शो किया कि आप लोग पूरे पाश्चात्य जगत में जो अपने बच्चों को फॉर्मूला देते हैं, उनको माँ का दूध नहीं पिलाते हैं, और जो जो नर्सेज और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सब यंग मदर्स को ये मैसेज देते हैं कि आप इनको जो है वो जार में जो बेबी फूड आता है और जो मिल्क फॉर्मूला होता है वो दीजिए, अपना दूध मत पिलाइए, ये बहुत गलत है। ये मेरी माँ के रिसर्च ने सिद्ध किया, और इसकी वजह से पूरी दुनिया उलट पलट गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी माँ ने डॉक्टरी की, इसलिए नहीं किया कि हम जो है हमारा 5 मंजिल का हॉस्पिटल होगा, एयर कंडीशन होगा, मेरे पास जो है वो बुलेरो और टाटा, क्या क्या, टाटा सुमो और इनोवा होगी, और हम जो है स्विट्जरलैंड
क्या कहते हैं कि छुट्टी करने जाएंगे और दवाई की कंपनी वाले हमारे लिए हवाई जहाज का टिकट और पानी के जहाज का टिकट खरीद देंगे, उनको ये सब चीजों की लालसा नहीं थी, वो सेवा करना चाहती थी। तो डॉक्टरी की पढ़ाई उन बच्चों को करना चाहिए जिनके अंदर सेवा करने की का पैशन हो। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग अपने पैशन को फॉलो करें, अपने पैशन को और अपने और पैसे की चिंता न करें, क्योंकि मैंने खुद देखा कि वो अब पैसा अपने आप से आता है, जैसा कि डॉक्टर जोसेफ कैंपबेल ने बोला था। ये थोड़ा लंबा हो गया मेरा जवाब, लेकिन इसमें वो भी बात हो गई कि मैंने कैसे वो क्या कहते हैं दफ्ती के डब्बे से आलू और टमाटर और पत्ता गोभी के ऊपर हम 2 महीने जिंदा रहे। तो शुक्ला सर, आप थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट साइड होइए, आप राइट साइड हो जा रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर हो जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा सा लेफ्ट, ठीक है ठीक, हाँ अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड हो जा अब रहे ठीक हैं। है जी 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 अब ठीक है, अब ठीक है। तो वाकई में ये जो आपकी बातें हैं, ये किस तरह से, क्योंकि पैशन, आपने पैशन को और अपने दिल की आवाज को सुना, और ये जानते हुए कि इसके लिए हमको मुसीबतें भी उठानी पड़ेंगी, परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी, लेकिन हाँ जी हम उसमें, क्योंकि जिंदगी की लज्जत तो वही है कि आप अपने दिल की सुनकर उस लज्जत को हासिल करें, वही तो जीवन जिसको कहें कि साकार है, तो उस चीज को आपने किया। बहुत सही शबनम जी, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि 15 मिनट ही आदमी समय निकाले आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में, लेकिन ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ध्यान कोई इतनी मिस्टिकल चीज नहीं है, इतना मतलब कि बस उसका मतलब कि शांत होके बैठ जाए, साक्षी भाव से बैठ जाए। तो उस जब ऐसे करते करने का अभ्यास होता है ना, तो अपने आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा योगी या बहुत बड़ा महात्मा होने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन यही लोग करते नहीं है, और हम लोग के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाया जाता है, बस एक के बाद एक दर्जा वन फिर एग्जाम, हमेशा एग्जाम्स देते जाओ, एग्जाम्स देते जाओ, पढ़ते जाओ, सिलेबस वो करते 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 करते, मतलब कि द होल लाइफ गोज इन प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइफ, यू नो व्हाट आई मीन, पूरा पूरा जिंदगी लाइफ के प्रिपेयर करने में चलाता है। तो ये संवाद ये हर व्यक्ति को पूछना चाहिए कि मेरा मुझे ऊपर वाले ने मेरे लिए उसके क्या सपने थे, मेरे लिए मेरे माता पिता के सपने तो हमको पता चल गया। यहाँ पे तो इंडिया में तो दो ही ऑप्शन है, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या आईएएस बनो, कुछ ऐसे ही मतलब की। लेकिन जो हमारे करोड़ों जन्मों से जो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा था, उसमें अगर वो करने लगेगा, मतलब उसको उसको अगर उस चीज उस बीज को अगर वो खाद पानी देने लगेगा, तो फिर जो मजा आएगा जिंदगी का। और ये सबके साथ है, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब वहां पे एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता था, तो ये मैंने इतनी बार देखा, एज जब जब मैं फिजिक्स में विजिटिंग, जब मैं यूनिवर्सिटी बफलो में विजिटिंग प्रोफेसर था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं गहराई से जानने की कोशिश करता था, और मैं मुझे ये दिखाई दिया कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है या बच्ची नहीं है जिसके अंदर कोई विशेष गुण ना हो। तो मैं इतना इससे मैं प्रभावित हो गया था कि जब मैं अपने क्लासरूम जब मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने जाता था, तो क्लासरूम के बाहर कोई देखता नहीं था, मैं 10-20 सेकंड के लिए, आधे मिनट मिनट के लिए बाद क्लासरूम के बाहर खड़ा हो जाता था, और मैं अपने माइंड को थोड़ा सा ब्लैंक करके मैं अपने आप से कहता था कि अंदर जो बच्चे बैठे हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, दे आर ऑल डिवाइन बीइंग्स, दे आर डिवाइन रेडिएंट बीइंग्स, और ये बिल्कुल यू नो डिवाइन सोल्स हैं। और ये बहुत ये मैं इसलिए करता था कि साधारणतः क्या होता है कि जो आपस में फैकल्टी लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो बड़ी नकारात्मक होती है कि अरे सब रात को देर तक जगते हैं, कुछ पढ़ना चाहते नहीं हैं, ये सब बार में जाके बियर वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, ये सब जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में घूमते रहते हैं, ये बिल्कुल इन लोगों की जिंदगी चौपट है, कोई सीखना नहीं चाहते हैं, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इस तरह की बातें फैकल्टी रूम में ओवर टी ब्रेक हमको सुनने को मिलती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इसको इसकी सफाई करना पड़ेगा। क्लासरूम में जब आप घुसे और आप घुसते ही आप बच्चों को आप जो है आप वो डिवाइन बींग समझ रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, तो वो उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर होती है, वो उस चीज को पिकअप कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो ऐसे ऐसे मेरे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने के लिए जब मुझे नौकरी का इंटरव्यू हो रहा था, तो प्रोफेसर ने पूछा कि आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, तो मैंने कहा कि
आज की मेरी टीचिंग फिलॉसफी ये है, आप लोग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स खुद अपनी ग्रेड डिसाइड करें, मैं उनकी ग्रेड, वहां पे अमेरिका में वो परसेंटेज सिस्टम नहीं होता है, वो ग्रेड वाला सिस्टम होता है, शायद अब इंडिया में वही वही आ रहा है, ए बी सी डी एंड एफ, एफ मतलब फेल, ए ए ए प्लस इज वेरी गुड, ए देन बी प्लस बी, सी प्लस सी, सी माइनस, डी प्लस डी एंड एफ, तो 10 पॉइंट्स का सिस्टम होता है। तो मैं कहता था कि मैं चाहता हूं कि बच्चों को खुद अपना ग्रेड वो खुद डिसाइड करें, तो बड़ा हंसे वो लोग, मुझे पता था कि वो लोग मुझे नौकरी नहीं देंगे, इसलिए मैं जो जो सच बात थी वो बोल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ये तो अगर इस तरह से करेगा तो सब बच्चे अपने आप को ए दे देंगे। मैंने कहा देखिए सच्ची बात तो यह है कि जितना जो बच्चे जो आपका स्टूडेंट है उसको जितनी जितना अच्छा मालूम है कि उसने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, कितने ईमानदारी से काम किया, कितना बेईमानी की उसने, तो ये एक्सक्यूज मी, तो ये तो जो है ये उससे अच्छा ना हम जानेंगे ना कोई जानेगा, कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा कि हंसने लगे, कहने लगे कि आप ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, ये लोग रात को बार में जाते हैं, ये लोग जो है ये पढ़ने लिखने में इनका उतना वो नहीं है, कुछ ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, ये सब आपका एडवांटेज लेंगे। हमने कहा भाई देखिए आपने मुझे पूछा कि मेरी टीचिंग फिलोसफी क्या है, मैंने आपको बता दी, अब यहाँ के जो नियम होंगे उनको मैं फॉलो करूंगा जैसा भी आप लोग कहेंगे। तो मैंने क्या किया, वो मैंने मेरे 30 स्टूडेंट्स थे, मेरे जो फर्स्ट मैंने क्लास पढ़ाया था एस्ट्रोनॉमी का, तो मेरे 30 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें मैंने क्या किया कि मैं जो वहां का जो सिस्टम है कि एक तो ग्रेड उनकी सरप्राइज क्विजेज होते हैं, अचानक से क्विज एग्जाम ले लिया, फिर मिड टर्म एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है, और होमवर्क्स होते हैं, इन सब की ग्रेड्स को एक कंप्यूटर की तरह से मतलब सब लिख के कंप्यूट करके फिर उसको निकाल के फिर उसका एवरेज वगैरह देख के फिर एक फाइनल ग्रेड वो दी जाती है, एक तो वो जो ऑफिशियल जो सब लोग करते हैं, तो वो भी मैंने किया, लेकिन जो मैंने उनको फाइनल एग्जाम दिया था उसमें मैंने नीचे अचानक से, मैंने उनको बताया नहीं था स्टूडेंट्स को, मैंने बस अचानक से उन्होंने देखा क्वेश्चन पेपर में नीचे लिखा हुआ था कि यू आर द पर्सन हु नोज बेस्ट हाउ हार्ड यू हैव वर्क, हाउ ऑनेस्टली यू हैव वर्क, हाउ मच यू हैव लर्न, हाउ मच यू हैव नॉट लर्न, सो आई वॉन्ट यू टू पिक अ ग्रेड फॉर योर सेल्फ। हमने उनसे ये नहीं बोला कि यही ग्रेड एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी, तुम्हारे रिकॉर्ड में जो तुम ग्रेड चूज कर रहे हो वही जाएगी, लेकिन तुम अपने आप को एक ग्रेड दो। तो उसमें मैं भी देख के दंग रह गया, और फिर बाद में मैंने अपने सारे जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे जो सीनियर कॉलिग्स थे उनको दिखाया, तो उनका उनके मतलब चेहरा एकदम से स्तब्ध रह गए वो लोग। मेरे स्टूडेंट्स ने उसमें से जो ग्रेड मैं उनको नॉर्मल सिस्टम से देने वाला था, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर टू, ऑल ऑफ देम मतलब 28, 30 में से 28 लोगों ने जो ग्रेड मैं देने वाला था वही चूज किया था, प्लस और माइनस 1 पॉइंट। मैं किसी को सी प्लस देता उसने अपने आप को सी दे दिया था, मतलब ऊपर और नीचे। मैं किसी को बी देता उसने आपको बी माइनस दे दिया था, मैं किसी को ए देने वाला था उन्होंने अपने आपको ए प्लस दे दिया था, सब दे वर ऑल विद इन 1 पॉइंट ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट फॉर टू। तो दो जोकर्स तो रहेंगे ही एक पैक में, एक लड़का था जो कि क्लासेस बिल्कुल आता नहीं था, उसको मैं एफ देने वाला था, उसने अपने आप को ए दे दिया था, तो और एक लड़की थी जो कि अंडर कॉन्फिडेंट थी, उसको मैं ए देने वाला था, उसने अपने आप को सी दिया था। तो ये था, तो ये किसी एजुकेशन जर्नल में पब्लिश करने लायक एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने जो है वो इस तरह की, फाइनली मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को वही ग्रेड दी जो मैं मेरी ग्रेड और उस स्टूडेंट की ग्रेड में जो हायर थी वो मैंने उन लोगों को दिया। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें जो है इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन अपने श्रोता लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने पैशन को खोज के और उसमें आगे बढ़ें। हम लोग को उस तरह की समाज की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, माता पिता को भी इस तरह का बनना पड़ेगा कि अनावश्यक बोझ न डालें बच्चों को, बच्चों के ऊपर। आजकल बहुत मैं देखता हूँ कि मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो पिछले 10 15 20 जनरेशन से क्लॉथ मर्चेंट्स हैं, गोरखपुर में और जगहों पे मैंने ऐसे कई, मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि 15 20 पुश्तों से क्लॉथ मर्चेंट्स हैं। कुछ लोग जो हैं जो आलू का व्यापार करते हैं पिछले 5 6 जनरेशन से, और इस जनरेशन में वो सब डॉक्टर बन गए हैं, कैपिटेशन फी दे के ज्यादा 70 80 एक एक दो दो करोड़ रुपया किसी प्राइवेट कॉलेज में कहीं जाके, कोई कोई रशिया चला जा रहा है तो कोई चाइना चला जा रहा है। क्यों क्यों क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर की मेडिसिन से वो जो है 20 साल में
जितना वो आलू बेच के या कपड़ा बेच के कमाते वो एक महीने में कमा लेंगे डॉक्टर बन के। तो ये चीज हो रही है, मतलब हम ये इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बड़ा जरूरी है कि अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके आदमी उसको देख आगे बढ़े। और डॉक्टर जोसेफ कैंपल ने ये बोला है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन एंड फॉलो योर ब्लिस, उनके वर्ड्स थे फॉलो योर ब्लिस एंड द मनी विल कम बाय इटसेल्फ। ये बात मैंने अब सिर्फ अपने साथ ही नहीं सच्चाई में देखा, मैंने कई लोगों के साथ देखा ये। जी चलिए, बहुत सारी सीरियस बातें हो गई कुछ हाँ सर, आप फिर एक बार थोड़ा लिफ्ट हो जाइए, अंदर हो हाँ जाने। अच्छा जी अच्छा ठीक है जी ठीक, ओके वाकई में जो बात आपकी सर है, मुझे इस वक्त अपने ऊपर भी गुरूर हो रहा है, गर्व हो रहा है कि मैं आप जैसे शख्सियत को काशी कला कस्तूरी पर लेकर आई। क्योंकि जैसे मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे काशी कला कस्तूरी के फेसबुक लाइव पर मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, लगा आमने सामने बैठकर सुन रहे हैं, और फिर लगा कि मैं तो एकदम गुम हो चुकी थी। अब ये लग ही नहीं रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं क्या, क्योंकि वाकई में ये सब चीजें, इस तरह की यूनिक बातें बहुत मुश्किल से, रेयर कहीं इस तरह की चीजें सुनने को मिलेंगी। और सिर्फ ये बातें, मैक्सिमम टाइम हम लोग जबान से बात करते हैं लेकिन दिल से या अपनी जिंदगी में उसको बहुत कम अप्लाई करते हैं। लेकिन आपने, ये कहा जाता है जो हिंदी में एक मकूला है, एक मुहावरा है, कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना। तो वाकई में कि जो आपने सोचा वो किया, वो अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, ना सिर्फ दूसरों को बताया। तो इस तरह की चीज और इस तरह का जिगरा जिसको बोलते हैं, वो होना भी बहुत रेयर बात है। और सर आपका मैं सिर्फ यही एक एपिसोड पर मैं खत्म, अपने सारे काशी कला कस्तूरी के सारे दर्शकों को, सारे नाजरीन को मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरा आपके साथ ये पहला या आखिरी कार्यक्रम नहीं है। इसको और भी मैं आगे कई एपिसोड में मैं इसको लेकर, इस बात को लेकर आऊंगी। और लेकिन सर आपने 15, आप 12 और 15, हालांकि मुझे अभी फिजिक्स के से रिलेटेड भी बात करनी थी, क्योंकि आपने फिजिक्स को जिस हाइट पर पहुंचाया उसमें जितने एक्सपेरिमेंट किए वो जी भी सुनने लायक वो बात है। और मैं इस पर भी बात करूंगी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। और लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी, क्योंकि म्यूजिक ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदला है, आपकी सोच को बदला, आपने इतना जी बड़ा डिसीजन लिया, आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया, तो मैं ये चाहूंगी कि आपको बचपन से 10-15, आपको 12-15 इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे। कुछ रेयर इंस्ट्रूमेंट के नाम बताएंगे कि जो आमतौर पे वो अब लोग नहीं बजाते हैं मैं या वो खत्म हो थोड़ा सा गए हैं। आपको बजा के दिखा भी देता हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जब मैं 11 साल का था, 11-12 साल का, तो मैं अपने मेरी माँ पीएचडी करने गई थी इंग्लैंड, उनके साथ मैं भी गया था। तो वहाँ पे ग्रामर स्कूल, जो वहाँ का टॉप स्कूल होता है, डडले ग्रामर स्कूल, उसमें मेरा एडमिशन हो गया था। बहुत ही गजब का स्कूल था। तो उसमें हम लोग की म्यूजिक की क्लास में वो लोग वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हम लोग को सुनाते थे। तो एक आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े वहां के संगीतकार थे, आज से करीब 200-250 साल पहले, मोजार्ट। मोजार्ट का नाम सुने होंगे आप लोगों ने सुना होगा। तो वो भी म्यूजिकली गिफ्टेड थे। तो वो जब 12-13 साल के थे, मतलब मेरी जो उम्र थी उस समय इंग्लैंड में, वो आज से 200 साल पहले 12-13 साल, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर म्यूजिक का पीस लिखा था, क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक का पीस। वो ऑस्ट्रिया के थे, आइन क्लाइन नाक्ट म्यूजिक, जर्मन भाषा में मतलब अ लिटिल नाइट म्यूजिक। तो वो मुझे म्यूजिक की क्लास में हम लोग को सुनाया गया, उनका ऑर्केस्ट्रा ने बजाया था, और मुझे इतना अच्छा लगा। और कुछ ईश्वर की देन थी मुझे कि कोई मुझे म्यूजिक का पीस अगर अच्छा लगता था तो मुझे वो याद हो जाता था, एक बार सुनने से याद हो जाता था। तो उसने मैंने मैंने उसको उस दिन सुना, फिर घर आके, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग उस वहां पे हमारे म्यूजिक क्लास में था। इसको बोलते हैं, ये एक तरह की बांसुरी है, इसको रिकॉर्डर बोलते हैं, रिकॉर्डर। तो ये तब की है, मतलब इंग्लैंड में, तभी से मैं रखा हुआ हूँ इसको। तो मैंने घर में आके बाय मेमोरी वो मोजार्ट का जो आइन क्लाइन नाक्ट म्यूजिक है उसको मैंने वर्कआउट किया, उसको बैठ के उसको उसको मैंने मतलब बाय मेमोरी मैंने सीखा। तो वो 2 मिनट का है, मैं आपको कहूँ तो मैं आप सुनाऊँ।
छोटा सा है जी। और बात है। अच्छा कुछ और फिर भी इन्हीं, सुन। अच्छा इस हाँ तरह करने की इन्हीं डॉक्टर साहब मैं ये मैं ऐसे जब यही पिया पूछ। जी जी बोलिए, ये देखिए ये हाँ पियानो अकॉर्डियन है, ये मेरे 11वें जन्मदिन पे इंग्लैंड में मेरी माँ ने मुझे दिया था, हॉनर कंपनी का है। ये सब सेल्फ टॉट, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हम जो है बस लोगों को देख, कोई बजाता था उसको देखते हुए, पहले मेरे भाई बजाते थे IIT कानपुर में, उनको देख 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 के मैंने कभी क्लासेस में नहीं लिया था, सब तो बजाते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न क्लासिकल गिटार है, अगर आपके पास समय होगा तो 2 लाइन उसमें सुना देंगे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो ठीक है, मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। को हम लोग देखना भी चाहेंगे आपके पास, क्योंकि आप हो सकता है कि उस वक्त मौजूद हो भी या नहीं भी आपके पास इस वक्त, लेकिन जो अगर है तो मैं उसको देखना भी चाहूंगी हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हाँ क्योंकि अकॉर्डियन, बहुत अगर मुझे पता नहीं आपके पास इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डियन, मैं बजा के भी सुनाऊंगा, बहुत बहुत गजब का इंस्ट्रूमेंट है, जी लेकिन जी उसके बाद उसमें लेकिन काफी। बाकायदा हाँ एक अब कुछ कुछ हाँ एक आध मिनट सुनाइए, उसके बाद हम लोग बाकायदा इस सेशन रखें। जी ठीक है, तो ये है देखिए, ये है, ये हमारा वेस्टर्न क्लासिकल गिटार है, नायलॉन स्ट्रिंग गिटार। तो एक गाने को मैंने उसको, वो गिटार पे नहीं गाया गया था, नसरत फतेह अली खान ने गाया था उसको, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, तो हारमोनियम तबले वगैरह के साथ उसको मैंने, फिर उसका एक वर्जन गिटार पे मैंने वर्कआउट किया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, हाँ सुनाई दे रहा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अब बल्कि आपने सही किया। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, यही मेरी बंदगी है यही मेरी पूजा, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गए एक ही रूप, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं एका नाम, सिमरू मैं एका नाम। वाकई में क्या जिसमें बोल कहा जाता है कि डूब के, और देखिए मैसेजेस जो है लगातार आते चले जा रहे हैं। आपने पहले ही मुझसे कहा था कि क्या 20-25 लोग सुनेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको
में बताऊंगी ये कितने लोग आपको सुनेंगे और ये कितने लोग सुन रहे हैं। जी तो इस तरह की शख्सियत से सर जो माहौल चल रहा है, जो जो जिस हम लोगों की जो सोच है अपने बच्चों को लेकर जो चीजें हैं वो उसको एक नई राह मिल रही है, और लोग ऐसी सी शख्सियत को ऐसे व्यक्तित्व को सुनना चाहते हैं, और वाकई में जी सैल्यूट है हम सर। लोग के जो बहुत प्यारे श्रोता गण हैं, मुझे पता नहीं अगर समय समय परमिट करे 2 मिनट, तो मैं जो गुड बाय मैसेज देना चाहता हूँ इन लोगों को, मैं गा के दूंगा। मैंने देखा कि एक्चुअली हम लोग अगर बात कुछ ना करें, सिर्फ गा के, मतलब गा के जो बातें होती हैं, देखिए भगवत गीता भी आखिर में सॉन्ग ही तो है, इट इज अ सॉन्ग, यू नो, गीत है। जो जितनी भी अच्छी बातें हैं वो गा के, ये मैं आपको सर मैं चलते चलते ये चाहूंगी कि आप बनारस के, जब हम लोग फिर जी बात करेंगे तो कुछ हम पूरे हिंदुस्तान के लिए आपसे एक मैसेज चाहेंगे, लेकिन आज मैं बनारस के बच्चों के लिए एक मैसेज चाहती हूँ आपसे, और खास करके संगीत के विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज चाहती हूँ, और वो मैसेज आपकी मर्जी है कि आप संगीत के लहजे में आप देंगे या यूं ही देंगे। जी ठीक है, मैं संगीत के लहजे में देता हूँ। देखिए, ये तो बहुत, आपने बहुत अच्छी बात कह दी और इसके लिए काफी समय लग जाएगा, लेकिन अगर मैं एक दो सेंटेंस में कहूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हृदय से, आत्मा से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो जब कल सुबह उठिएगा तो धरती पर अपना पैर रखने के पहले एक बार जरूर धरती को प्रणाम कर लीजिएगा। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप भारत देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि मैं ये बात कौन कह रहा है जो पूरे दुनिया घूम लिया है। मैंने मैंने बचपन में इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया मैंने घूम ली है, मतलब। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इस देश की कीमत, यहां से जब बाहर रहेंगे, टूरिस्ट बन के नहीं, वहां जाके दूसरे देशों में जब जाके रहेंगे ना, तब पता चलेगा कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये, और उसमें भी बनारस में जो लोग हैं बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ यहाँ की जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट, लोग हमसे कहते हैं कि इतना क्राउडेड शहर, इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन, इतनी चैचै पैपै, क्या आपको क्या दिखाई देता है बनारस में? हमने कहा कि आप ऐसा करिए, आप कभी दिल्ली में ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे ना, या न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, किसी भी शहर में ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे, आप अपने अगल बगल के लोगों के चेहरे को देखिएगा, और कभी बनारस में ट्रैफिक जाम में आजकल सभी लोग फंसते हैं, अपने अगल बगल के लोगों को चेहरे देखिएगा, किसी के चेहरे पे यहाँ शिकन नहीं है, एकदम मस्त। जितना ये कुछ है इस शहर में, कुछ है भैया, कुछ है, मतलब इतना रिलैक्स, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे कि मैं बिल्कुल आपको क्या बिल्कुल बताऊँ। यहाँ यहाँ मतलब कि मैंने देखा, जहां पे मैंने लॉस एंजलिस में गोलियां चल जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, लोग बंदूक मार देते हैं, वहां पे रोज 2-4 लोग मर जाते हैं, यहाँ पे अपना चुपचाप लोग अपना मस्त हो गए, कोई अपने मोबाइल में गाना सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डॉक्टर, इसी पे मैं एक कुछ सेकंड लगेगा एक बात बताने पे कि यहाँ के जाम का ये है कि हर जगह के जाम, इवन आप दिल्ली के ही जाम को देख लीजिए, लोग पसीने पे तर और चेहरे पर इरिटेशन है, जैसे काटो खाओ वाला अंदाज है लोगों का, लेकिन बिल्कुल बनारस में चिलचिलाती धूप में आप देखिए लोग खड़े हुए हैं, जाम, और लग नहीं रहा कि वो जाम सरकेगा भी, क्योंकि यहाँ का जाम सरकता है छूटता नहीं है, तो सरकेगा भी ऐसा भी नहीं लगता, उस पे भी लोग का गुरु तुम फंस गए ना, तो इस तरह बिल्कुल तो कहीं का गुरु तुम बिल्कुल फंस गए ना, तो ये अंदाज है, तो इस तरह का वाकई में कहीं नहीं मिलेगा, वाकई ये शहर सलाम करने लायक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये देश भी यहाँ पे, मतलब हम लोग की जिन लोगों को मतलब कि जीवन का मकसद है कि साफ सुथरी सड़कें और सारी कन्वीनियंस सुविधाएं, तो जाके भैया सिंगापुर में रहिए, फिर आपको ये भी पता चलेगा किसी दिन कि वो ऐसा, सिंगापुर एक ऐसा शहर है जहां पे कि कोई आपको चिड़िया नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहां पुलिस का पूरा एक डिपार्टमेंट है कि कहीं कोई चिड़िया दिखाई दे तो उसको गोली मार दो, क्योंकि उनको लगता है कि चिड़िया जो बीट करती है उसे इन्फेक्शन होता है, उससे लोग मर जाते हैं। तो इस तरह की प्रोग्रेस, इस तरह का डेवलपमेंट, भैया आपको मुबारक हो, जहां पे आपके दिल में चिड़िया के लिए जगह नहीं है, आपके बच्चे चिड़िया की चहचहाट सुने बिना जो है वो बड़े हो रहे हैं, और मतलब कि, तो ये सब चीजें हैं कि हमको तो, मैं आपको बताऊं कि मैं कितना, मैं मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं ईश्वर को धन्यवाद न देता हूं कि कैसे उन्होंने मेरे बुद्धि में डाला कि अपने जवानी में अमेरिका को छोड़ के वापस हिंदुस्तान। लोगों को लगता है कि इसने बहुत बड़ा त्याग किया, अरे कुछ नहीं त्याग किया हमने, जो है वो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अपने अपने देश में, अपने मतलब कि हम सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता के दर्शन करते हैं, उनके चरण को छूते हैं, वहां पे क्या है, मतलब कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
तो हम किसी किसी सभ्यता की बुराई नहीं करना चाहते, वो लोग बहुत, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आदमी जाए विदेशों में जरूर जाए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्किल लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, साल दो साल नौकरी भी कर ले, लेकिन वहां पे वहां की नागरिकता लेके रह जाना ये कहां तक उचित है मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि मैंने देख लिया ना, जो लोग ये करते हैं वो लोग खुश नहीं रहते हैं, वो मतलब आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कि खुश है, क्योंकि वो अपने जड़ से कट के आदमी कैसे, अपनी जड़ का भी कोई महत्व होता है। तो खैर, मैं जो संगीत के माध्यम से जो कहना चाहता हूँ वो अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक मिनट, दया इश्क में, इन द सिटी ऑफ लव मेक योर ओन स्टेशन, प्यार के शहर में अपना घर बसाओ। दयार इश्क में, इश्क में, दयार इश्क में, की हद से फरिश्तों ने इकबाल की गमबाजी, की हद से फरिश्तों ने इकबाल की गमबाजी, गुस्ताख है करता है फितरत की ही नाबंदी, खाकी है मगर इसके अंदाज है अफलाकी, रूमी है नशामी है काशी न समरकंदी, सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प इसने, आदम को सिखाता है आदाव खुदावंदी, आदम को सिखाता है आदावे खुदाबंदी, तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, सबे खुदाए अफलाक है तू, तेरे सैदे अफरिश्ता हूँ कि शाही शहे लौलाक है तू, के दयार इश्क में, इश्क में, दयार इश्क में, इश्क में, दयार इश्क में, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, हे दयार इश्क में, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, हे दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए, नया जमाना नए, सुबह शाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, ये दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, जया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, ये हिकमते मलकूती ये इल्म लाहूती, ये हिकमते मलकूती ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सहूर, ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सहूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं, हे खिरद ने कह भी दिया लाएला तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया लाएला तो क्या हासिल, हे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, देख अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, हे खुदा अगर दिले फितरत
फितरत शनास दे तुझको, ये मेरी फेवरेट लाइन है। कह रहे हैं इकबाल जी कि अगर आपको प्रकृति रूपी किताब को पढ़ने की शक्ति ऊपर वाले ने दी है, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे, अगर आप प्रकृति के साथ संवाद करने की क्षमता रखते हैं तो फूलों के रंगों से और उनकी खामोशी से अपना कलाम पैदा करिए। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो सुकूते लाल हो, गुल से कलाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, उठा नशीशा घराने फरंग के एहसान। ये अंग्रेजों के जमाने में देखा था इन्होंने, क्रांतिकारी की, तो उन्होंने कहा कि शीशा घर, यानी कि अंग्रेज जो शीशा बेचते थे लाके, शीशा शीशा उठा न शीशा घराने फिरंग के ऐसा, सफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर, उठा न शीशा घराने फरंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर। बहुत खूबसूरत अशआर, और ये बहुत की तरफ ये शेर लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमको अल्लामा इकबाल का ये शेर जिंदगी की हकीकत को भी बताता है, बयां करता है कि किस तरह से आपकी जो सोच है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका इश्क है, उसको पाने की भी कोशिश करो। तो सही बात है कि बिल्कुल दया इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। वाकई में बहुत खूबसूरत शेर, और ये शेर भी बनारस के उन संगीत के बच्चों के नाम है कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। कि आप संगीत के बिल्कुल लाइन में जा रहे हो तो वहां पे अपनी ऊंचाई देखो, वहां पे अपनी मंजिल देखो, अपने मंजिल की इंतहा को देखो, और नई सुबह शाम, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। कि तुम ऐ बच्चों, तुम नई सुबह शाम पैदा करो, नया जमाना बनाओ, क्योंकि जमाना तुमसे है, तुम जमाने से नहीं। तो इस तरह से जी बहुत खूबसूरत खेल के साथ आपने आज के सेशन का इतमाम किया है, और बहुत ही, मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जिस फीलिंग के साथ कि मेरे पास लफ्ज कम पड़ रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ इन सब चीजों को। और मैं बहुत, अब आपके से फिर एक टाइम लेकर मैं एक दूसरा भी सेशन रखूंगी कि किस तरह से साइंस, मैं अपने नाज़रीन को इस बात बताना भी ये चाहूंगी कि आप सूफीज्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ भी, आपका एक साइंस का स्टूडेंट किस तरह से अध्यात्म से की तरफ जाता है, सूफीज्म की तरफ जाता है, किस तरह तरह से साइंस में संगीत को देखता है, संगीत में साइंस को देखता है, और इन दोनों को मिला करके अध्यात्म को देखता है, सूफीज्म को देखता है। तो हम इस पर भी बातचीत करेंगे, और इसके बाद एक हमारा आपके गायन का एक सेशन भी होगा। इसी के साथ साथ मैं सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं का हम स्वागत ये करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि मेरे साथ आप लोग इतने वक्त तक बने रहे, और डॉक्टर साहब को आपने सुना। और इसी के साथ साथ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और अभी भी आपको स्टूडियो जाना भी है रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, और बहुत ही अहम रिकॉर्डिंग है आज आपकी। तो इसी के साथ साथ मैं सबका तहे दिल से थैंक शुक्रिया करती हूँ। यू, बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू शमन जी, नमस्कार, शुभ।